हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल नेहा जीजी टिप ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो मैं सुबह नहीं बोलूँगी, अभी 11 या 11:30 हो रहा होगा। सो अभी मैं मछली बना रही हूँ और ये टेंगरा मछली है। सो वही मैं अभी बना रही हूँ। आई नो अभी सावन चल रहा है और मैं तो खाती नहीं, मेरे घर में भी नहीं आता था, पर पता नहीं क्यों लोगों को मन किया खाने का। सो आ गया तो मैं तो खाऊंगी नहीं, ये लोग के लिए बना दूंगी। सो वही मैं अभी बना रही हूँ और ये बना के फटाफट से नहाने जाऊंगी। अभी बहुत टाइम लगने वाला है बनाने में और इसको काटूंगी, बनाऊंगी, फिर इसको फ्राई करके मसाला। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मछली में, ऐसे भी बहुत टाइम लगता है। सो ये मैं अब काट के इसको पता है गाइस, एक बार मैं 2 या 1.5 kg आया था मछली टेंगरा यहीं, और उसको मैं फसूल से हाथ से काट ली थी। मेरा थंब और फर्स्ट वाला फिंगर एकदम से कट के बर्बाद हो चुका था मेरा दोनों। तभी से जो मैं डर गई, मैं कैंची का ही इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग को भी बता दूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर टेंगरा मछली बनाना हो तो कैंची से, या जो भी काटेदार मछली हो उसको कैंची से ही बनाए, तो आपका हाथ बचा रहेगा। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। उसके बाद मैं बना ली, मैं खा नहीं पाई, अब इतना फिंगर में दर्द हो गया था। तभी से मैं सीख गई कि नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आके रखता है। सो मैं तो सीख गई। उसके बाद से मैं एक कैंची इसका अलग कर दी, ये तो किचन का मेरे कैंची था लेकिन इसको मैं अलग कर दी। किचन के लिए भी मैं एक कैंची जल्दी ही ले लूँगी। सो ये फटाफट से अब मैं काट लेती हूँ और काट के, और ये बहुत ज़्यादा, और मेरे यहाँ राख नहीं मिल पाता है जो कि लकड़ी के जलावन का होता है। अब यहाँ पर मैं राख कहाँ से लाओ, इसलिए इसको आटा से ही करके मैं फटाफट से इसको काट के, और इसका मुंडी जो होगा सो फसल से काट लूँगी। सो आप ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं, अगर जिसके पास राख ना हो वो आटा से भी बना सकते हैं। बातों बात में एक और मैं ट्रिक आपको बता दी, जैसा कि मेरे चैनल का ही नाम है नेहाज इजी टिप्स ब्लॉग। सो मैं छोटा छोटा टिप्स और ट्रिक भी अगर बताते रहूँगी अगर आप लोग को सही लगे तो, जैसे कि मैं अपने खुद से यूज में करती हूँ, मुझे जो सही लगता है उसी हिसाब से मैं बता भी देती हूँ। और ये देख सकते हैं, और ये मैं अब फटाफट मैं अब मछली को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके मैं मसाला तैयार कर दूँगी। और देख सकते हैं मेरे घड़ी में 11:30 हो रहा है और मैं अभी तक लगी हुई हूँ। मेरी मेड भी काम करके चली गई हैं और लगभग मैं ये करते मुझे 12 बज ही जाना है। और सीढ़ी का सबसे ऊपर वाला रूम भी आज ढलाई हो रहा है, तो इस वजह से भी अच्छा हुआ कि कुछ अच्छा बन गया। मछली तो ऐसे भी शुभ होता है, तो बन गया, घर के लोग सभी लोग खा लिए। तो ये मैं फटाफट से फ्राई करके उसके बाद मैं मसाला भूनने के लिए रख लूँगी, और उसके बाद मैं नहाने चलूँगी। और जो मुझे 11:30 होने लगा था, मुझे पेट में कुछ अजीब सा होने लगा था भूख से, तो मैं थोड़ा सा सत्तू पी हूँ, और पता नहीं सत्तू का टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा ही पी के उसको, मुझे थोड़ा सा भी अजीब स्वाद पसंद नहीं आता है तो मैं उसको हटा दी हूँ, नहीं पी पाई हूँ। और थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा कर पूजा की, उसके बाद मैं खाना ही खा ली, क्योंकि मुझे तो नॉनवेज खाना नहीं था, मुझे वेज खाना था और वेज बना चुकी थी, तो सोची कि फिर नाश्ता करूँ या ये, इस वजह से मैं पकड़ ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पानी अभी पी हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि फ्राई हो रहा है। तो और देख सकते हैं आप लोग, तो ये मैं अब करके मैं नहाऊंगी, जैसा कि मैं बोली कि मैं पूजा करके खाना खा लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा खान सा भी लग रहा था तो मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, और बाहर काम भी चल रहा था तो यही सब लगा हुआ है, और घर में काम होते रहे तो ऐसे भी चैन नहीं मिलता। और ये देखिए हो चुका है शाम,
और आके मैं थोड़ा देर बैठी हूँ और मैं आपसे कुछ बातें कर रही हूँ, पर ये आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पकड़ ली हूँ, तो मैं इसलिए वजह से अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मैं खिड़की के पास आई हूँ, सोचे इधर से पूरा लाइट आ रहा है। मैं अपने रूम का एक खासियत बताऊँगी कि मेरे रूम में लाइट बहुत अच्छा आता है। बाहर लेकर आई और ये देख सकते हैं कि मेरा गद्दा बाहर रखा हुआ है। मेरी बेटी इतनी शैतान हो गई है कि एक बोतल का पूरा पानी गद्दा पे ही गिरा दी थी और ये अब सूसू करती नहीं है, सो इससे मैं निश्चिंत हूँ। पर पानी गिरा दी थी, इतना मोटा मेरा गद्दा है तो मैं डर गई कि कहीं भींग के वो सड़ ना जाए, इस वजह से मैं उसको धूप में लेबर जो आए हुए थे काम करने, लेबर भैया ये लोग, धूप से मैं डरवा के उसको सुखा रही हूँ। और तो आज छत जलाने वाला था, इस वजह से कार पे कर रही हूँ। और देखिए मेरी बेटी भी उड़वाया आया है, उसी में लगी हुई है। और मौसम कितना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है इधर का मौसम, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं कितना सुहाना सा मौसम दिख रहा है अभी का यहाँ का। मैं कपड़ा सब डाली हुई हूँ, अभी मैं तुरंत उतार के इसको ले भी जाऊंगी। और देखिए मैं नाश्ते में आज क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं बेटी के लिए घी में सेका हुआ ब्रेड, और ये मैं अपने लिए और घर के सभी के लिए बनाई हूँ, जो कि मुझे बहुत इजीली लगता है कि आप चोखा को फ्राई कर लो और ब्रेड में जैसे आप सैंडविच बनाते हो उसमें तरह तरह का चीज़ डालना होता है, लेकिन ये सिंपल सा और मुझे खाने में ज़्यादा सिंपल ही पसंद है, तो उसमें बीच में चोखा का स्टफिंग कर लो और दो ब्रेड सेक के ऊपर नीचे डाल के खा लो। वो थोड़ा हेवी भी हो जाता है, दो ब्रेड से ही काम भी चल जा, और ज़्यादा हेवी खाना मुझे पसंद भी नहीं, सो मैं वहीं लेकर आ गई और चाय भी इसके बाद पीऊँ। शाम का कुछ ऐसा ही रहता है और थोड़ा सा रेस्ट करके अगर उठती हूँ उसके बाद से यही सोचती हूँ कि क्या, और मुझे थोड़ा टेस्टी लगा है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, तो देख सकते हैं। और ये मैं फटाफट से नाश्ता कर लेके, और उधर मैं नाश्ता सब कोई को दे चुकी हूँ और सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ कि चाय भी पी लेंगी, उसके बाद थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँगी। अभी बेटी को भी वो ब्रेड खा नहीं पाएगी खुद से, उसको भी खिलाना है अभी ब्रेड मुझे, सो और मैं बहुत आराम से बैठ के अभी खा रही हूँ। मैं इसको अब फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पानी पी ली। अब मैं चलती हूँ, चाय पी लेती हूँ थोड़ा, और चाय पीते पीते आपसे मैं कुछ बात भी की हूँ, पर मुझे ये लगता है कि किसी का भी टाइम बहुत कीमती होता है, उसको वेस्ट ना करते हुए मैं फिर उसको स्पीड भी कर दी थी, इस वजह से मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।